आज पूरे देश के अंदर किसान संगठनों पे, किसान नेताओं पे, किसान जो आम कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से राजधानी में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दो तीन दिन से लगातार हरियाणा में जगह जगह उन पे लाठी चार्ज, पानी की बौछारें और जो हमले किए जा रहे थे शासन के द्वारा, उनको वो धत्ता बताते हुए, उनका मुकाबला करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने में कामयाब हुए और वहां पे सभी बॉर्डर्स पर इतनी संख्या में किसान पहुंच गए, लाखों की संख्या में, कि दिल्ली पुलिस प्रशासन मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि आप बुराड़ी के अंदर मैदान में जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ किसान वहाँ पे पहुँच भी गए हैं दिल्ली में, साथ ही उन्होंने सभी बॉर्डर्स पे बड़ी संख्या में मोर्चा लगा रखा है और अभी भी सभी सड़कों से, सभी मेन हाईवे से किसान वहाँ पे दिल्ली पहुँचने में लगे हुए हैं। आज पूरे हरियाणा में राज्य के तमाम जनसंगठन, जिसमें कर्मचारी भी शामिल हैं, रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, दूसरे जनसंगठन शामिल हैं, सब तरह के संगठन आज पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर रोष में हैं, गुस्सा है लोगों में कि सरकार किसानों के साथ जो अन्नदाता है, जो भारत की इकोनॉमी का आधार है, आज भी हमारे देश के अंदर 66% से ज़्यादा आबादी देहात में है जो सीधे या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है, पशुपालन पर निर्भर करती है, मुर्गी पालन पर निर्भर करती है, उनके ऊपर बड़ा हमला बोला है। आज ये प्रदर्शन करके तमाम जनसंगठनों के लोग पूरे राज्य में, अलग अलग शहरों में, कस्बों में ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि वो जो ज्यादती उसने की है उसके लिए कार्रवाई की जाए जिम्मेवार अधिकारियों पर, और जो 3 अध्यादेश प्लस जो बिजली का संशोधन बिल पास किया है जिसका खेती और दूसरे जनजीवन से सीधा वास्ता है, उनको वापस ले। जब तक ये नहीं होगा तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन केवल एक मोर्चा नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हरियाणा के 7,500 गांव, पूरे देश के लाखों गांव के स्तर पर भी लोग आंदोलित होके और इस मुहिम को एक व्यवहारिक रूप में सरकार को राजनीतिक रूप से लाचार कर देंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार वो ऐसा मानती है कि हम वोटों में लोगों को वोट लेने के लिए कभी हिंदू मुसलमान का नारा लगा के, कभी अंधराष्ट्रवाद का नारा लगा के, कभी जाति पाति का नारा लगा के, कभी आरक्षण के नाम पे लोगों को आपस में भिड़ा के हम कामयाब हो सकते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कल के दिल्ली प्रदर्शन ने और आज पूरे देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन्होंने साबित कर दिया कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम किसी जात पात सांप्रदायिकता की राजनीति के चक्कर में नहीं आएंगे, और अगर सरकार नहीं झुकेगी तो उसका राजनीति पे भी दूरगामी असर पड़ेगा, ये हम सब संकल्प लेते हैं और आज का प्रदर्शन इस बात की पुष्टि करेगा। धन्यवाद।